कंटेनर में अवैध मवेशियों सहित चार लोग हिरासत में। एक कंटेनर में अवैध रूप से भरे मवेशियों का जखीरा पकड़ाया गया। मामला बेमेतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत के ग्राम ताला गांव का है, जहां से अवैध रूप से मवेशियों को भरकर कंटेनर में रायपुर की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पुलिस को सूचना उपरांत पकड़ा गया। चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कंटेनर को जब्ती बताते हुए उन्हें रास्ता बताने वाले फॉलो बुलेरो वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम ताला गांव का है, जहां से अवैध तरीके से मवेशियों को कंटेनर में भरकर तस्करी के लिए लिया जा रहा था, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिटी कोतवाल बेमेतरा में सूचित करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता व पुलिस की टीम ने मवेशी से भरे कंटेनर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अवैध रूप से मवेशियों को रास्ता बताने वाले बुलेरो वाहन जिसमें लाल बत्ती लगे होने की बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीडिया की टीम को जानकारी में दी, किंतु मौके पर मीडिया ने जब बुलेरो को देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई लाल बत्ती नहीं लगी थी। आखिर वह लाल बत्ती किसने निकाली, यह एक बड़ा सवाल है। गौरतलब हो कि जिले में इससे पहले भी लगातार बजरंग दल हिंदू परिषद द्वारा गौ तस्करों को पकड़ा गया है, इसके बावजूद भी लगातार मवेशियों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों बेमेतरा जिले से मवेशियों की तस्करी जोरों पर है? कुछ माह पूर्व पहले बेमेतरा जिले के बेला ब्लॉक में मवेशी तस्करों को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। मवेशी तस्करों ने दो निजी वाहन को क्षतिग्रस्त करते हुए भागने की कोशिश करके चोटिल भी हुए थे। आखिर क्यों जिले में बड़े पैमाने में मवेशी तस्करी जोरों पर चल रही है? मवेशी तस्करी थमने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही है? बेमेतरा से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही है, इसकी सूचना पर बेमेतरा से रायपुर रोड में घेराबंदी करके दो संदेहास्पद ट्रक और बोलेरो को रोक के तलाशी लिया गया, जिसमें कुछ मवेशी भैंस भरे हुए पाए गए, जिन्हें थाना लाकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई? जी हाँ, आरोपी चार लोग अभी हमारे अभिरक्षा में हैं और उनके कृत्य के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बोलेरो में साइलेंट लगाया गया था, क्या है सर? इसकी जानकारी हमको नहीं है, ना ही वाहन में ऐसा भी कुछ संदेहास्पद वस्तु मिला। सूचना मिली थी कि कुछ ताला गांव में काफ़ी दिनों से गौ वंशों को लोडिंग किया जा रहा है, जो स्थानीय सुधेलाल करके जो है स्लीपर सेल्स और इरफान कुरैशी जो रायपुर निवासी है, ये काफ़ी दिनों से कंटेनर और छोटी छोटी गाड़ियों में मालवाहक वाली गाड़ियों में कंटेनरों में लोड करके लेके जाया जा रहा था। और गौ सेवकों को सूचना मिला, बजरंग दल रायपुर द्वारा कार्रवाई की और बेमेतरा पुलिस के द्वारा काफ़ी दूर तक इनको पीछा किया गया और पकड़ा गया। तो इसमें तो चार आरोपी जो था, तो उसमें से दो आरोपी पकड़ा गया और दो आरोपी फरार हो गया मौके से रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए। और इसका जो पायलटर गाड़ी थी MP50 गाड़ी बोलेरो पकड़ा गया, उसमें दो आरोपी पकड़ाया गया है। और उस गाड़ी संगीत रूप में ऐसा है कि मॉनिटरिंग कर रहा था बेमेतरा में MP50 की गाड़ी घूमना और लाल बत्ती लगा के घूमना। काफ़ी दिनों से ये गाड़ी भी घूम रही थी और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि लाल बत्ती घूम क्यों रहा है। जी सर, हम लोग पकड़ी हैं भैंस से भरी हुई, जिसके सामने सामने है MP50 की एक गाड़ी है, ये उस कंटेनर के सामने सामने पायलटिंग कर रही थी जी, जिसको पुलिस प्रशासन के द्वारा आधे रास्ते पर ही दबोच लिया गया था, जिसके बाद इसमें इस गाड़ी पर लाल कलर की लाल बत्ती लगी थी जो खुले आम शास्त्री जैसे लगाकर घूम रहे हैं, जिसके बाद ये गाड़ी पकड़ाने के बाद अचानक से ये लाल बत्ती गायब हो गई। ये जांच का विषय है कि इसको निकाला तो निकाला किसने।